सो हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत। तो गाइस अभी हम लोग हैं रंगदुम में। हमने लगा लिया है अपना टेंट और आज हम रात को यहां पे करने वाले कैंप। बहुत ही अच्छी लोकेशन है यार, चारों तरफ घास के मैदान है, बगल में रिवर भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिन पे बर्फ पड़ी हुई है, तो मतलब बहुत सुंदर नजारा है यहां से। आज रात को हम यहीं पे कैंप करेंगे। फिलहाल जो है अभी आती भूख लग रही थी तो ब्रेड में भुजिया लगा के खा रहे हैं और खा के फिर रात के डिनर की तैयारी करेंगे और देखते क्या बनाते हैं आज। फिलहाल तो इससे पेट पूजा की जा रही है। तो यार यहाँ तो यार बहुत ही ज्यादा ठंड है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो खाना तो आज अंदर ही बनाना पड़ेगा। बहुत तेज हवा है यार, मतलब ठंड इतनी ज्यादा हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि कल और परसों यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है, तो जिसकी वजह से चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ है और मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अभी अंदर भी जो है मुझे ठंड लग रही है, तो जैकेट वैकेट पहन के मैं रेडी होता हूँ। वैसे मैंने अभी दो पहन रखे हैं, दो बॉडी वार्मर पहन रखे हैं, एक टी शर्ट पहन रखी है, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है, तो जैकेट पहनूंगा तभी ठीक होएगा। और खाना तो अब अंदर ही बनाना पड़ेगा भाई, हमारे बस की नहीं है बाहर बैठ के बनाना। बहुत ज़्यादा ठंड है तो अपन जो है खिचड़ी बनाने वाले हैं आज। जब ठंड ज़्यादा होती है ना और काम करने का मन नहीं होता है तो खिचड़ी बनाई जाती है। चावल है हमारे पास और दाल है और बनेगी बढ़िया वाली खिचड़ी। कैसे काट मार दिए यार, खुल जा, हाथ सुन रहे हैं, ये खुल भी नहीं रहा है। फाइनली चावल तो खुल ही है। खिचड़ी बन रही है। महेश भाई देखो कैसे बैठे हुए हैं ठंड से बचने के लिए। भाई सर्दी इतनी है क्या करें, अगर सर्दी नहीं होती तो रोटी नहीं बनाते, तो हाथ पैर कांप रहे हैं। खिचड़ी बनाएंगे, फटाफट बन जाएगी, यहीं पे बना लेंगे, अंदर ही रहेगा मामला सारा। महेश भाई राइड मेरे साथ करते हैं, चैनल का नाम किसी और जैसा रख रखा है। क्या आपके चैनल का नाम आप ही बता दो। नहीं तुम ही बताओ। नहीं नहीं आप ही बता दो। महेश भाई के चैनल का नाम है राइडिंग विद महेश। देखो लाइट भी गिर गई, धोखा। कुछ धोखा नहीं भाई। जो दिमाग में आया वो रख लिया। लाइटर निकालो भाई, ठंड लग गई इसको। दारू की बाटली में तेल है, देसी ठर्रा ठर्रा। जुगाड़ पूरा है। दूसरी थैली भी खोल आराम से। लौंग और इलायची डाल दी है। बाहर का देखो मौसम खतरनाक है, साफ मौसम हो चुका है एकदम, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और मुझे इधर जो है रंगदुम गुम्प आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, सुबह दिखाता हूँ। अभी हमारी जो है प्याज भुन जाए फिर डालते हैं हमारी ये दाल और चावल, बस फिर रेडी खिचड़ी। दाल चावल की खिचड़ी मेरी जनता बोलेगी भाई ये महेश भाई बहुत ज्यादा कमेंट्री करते हैं।
अच्छा जनता से पूछ लेते हैं, महेश भाई की कमेंट्री अच्छी लगती है या नहीं? अगली बार से नहीं करेंगे फिर। कमेंट में जरूर बताना, उसी हिसाब से आगे से कमेंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाई करें क्या, सर्दी लग रही है, किसी तरह तो उतारनी पड़ेगी सर्दी। कैमरा जो हिल रहा है ना, ये महेश भाई कांप रहे हैं इसलिए हिल रहा है। भाई और क्यों, बहुत ज्यादा सर्दी है, वो तो है ही भाई। बस बस ज्यादा होती है। वैसे थोड़ी मिर्ची खाने के बाद ही थोड़ी गर्मी आएगी भाई, वैसे नहीं आएगी गर्मी वो भी नहीं। वो तो है ज्यादा ही शेक हो रहा है हाथ भाई, क्या करूं, सर्दी इतनी लग रही है बाहर बैठे बैठे, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है यार। ऐसा ही कुछ होता है क्या भाई, ठंड वाली जगह पर तो ठंडी हवा चलेगी, गर्म हवा चलेगी। हो गया भाई, हो गया भाई, बस बस चलो काम फिनिश। काहे को काम फिनिश भाई, भाई सर्दी बहुत है, ज्यादा गर्मी चाहिए तो गोवा जाना था। पहाड़ों पे क्यों आ गए? बस मजे लेने आए थे। पहाड़ों ने मजे अलग है, पहाड़ों ने आपसे मजे ले ली। ये जो दो दिन बर्फबारी और बारिश हुई ना, इसने मुझे ज्यादा ले लिए भाई। पीछे पहाड़ देखो क्या लग रहे हो, मस्त एकदम बर्फ के पहाड़। पहाड़ ना, हम भी गजब लग रहे हैं। बस अब ये खिचड़ी बन जाए, अपन खाते हैं फिर सोते हैं। निकालो खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें ले लूँ ना मैं? अब इसमें ले लेना ना, बस बस इतनी लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। इतनी बहुत सारी है, देखो थोड़ी खाऊंगा मैं। फोन बाद में कर लेना भाई, पहले ये कर लो सेटलमेंट। ले तो ली, और लो ना, इतनी तो थोड़ी खाऊंगा मैं। लो घी तो डालो। अरे यार तू भी आधे काम करवाएगा, दिना करा। छोटी चम्मच खाए, छोटी चम्मच लेके आयो, चम्मच कोई चमचे से खाओगे? चमचे से खा लेंगे, मैं अभी लेके भाग गया इसको, भागो टेंट के अंदर, भागो भागो भागो। अभी बचेगी खिचड़ी तो फिर बिकेगी। क्यों, सारी नहीं खा पाऊंगा, बहुत सारी है। बोत है? हाँ बोत भाई, खिचड़ी बन गई है और बहुत सारी बन गई है। तो गाइस ये हमारी मूंग दाल की खिचड़ी और साथ में है खीरे, तो यही आज अपना डिनर, खाते हैं इसको अच्छे से। तो गाइज़ अभी रात के 9:30 बज गए हैं और बाहर में टाइम लैप्स लगा के आया हूँ स्टार्स का, तो आई होप अच्छे से बन जाएगा और कोई कैमरा उठा के नहीं लेके जाएगा। तो 2 घंटे बाद जाके मैं कैमरा उठाऊंगा अपना, तो देखते हैं कैमरा मिलता है नहीं मिलता। फिलहाल सब कुछ हो चुका है, अब सोने की तैयारी है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आज तो भाई मज़ा आएगा, हल्का होगी ठंड में। ठीक
ठीक है भाई, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। रात को नींद जो है काफ़ी अच्छी आई, लेकिन सुबह जैसे बाहर निकला ना भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ठंड देख के उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो। ये देख रहे हो, ये बाइक की सीट है, बर्फ़ जम रही है इस पर। ये देखो यहाँ पे भी जम रही है, अब दिख नहीं रही वाइट पे। और इधर देखो टेंट के ऊपर भी। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, होने वाला है, तो सनराइज़ का वेट करते हैं, वापस चलते हैं टेंट के अंदर। बाहर जाते यार बहुत तेज़ ठंड लग गई, तो मैंने स्टोव जलाया, हाथ से करूँ थोड़ी देर ताकि उंगलियाँ जो है थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तेजी बन रही है अपनी कॉफ़ी। और इधर जो है देख सकते हो आप, यहाँ पर धूप निकल आई है। और ये जो है ना, आप देख रहे हो थोड़े थोड़े से जो घर घर से बन रहे हैं यहाँ पर, ये छोटे से ढाबे वगैरह हैं। ढाबे के मतलब एक ढाबा है और बाकी सब घर वगैरह हैं। और इधर एक ये छोटा सा घर है, कितना प्यारा सा लग रहा है, देखो है ना। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है रंगदुम मोनेस्ट्री, ये रंगदुम मोनेस्ट्री है। और ये रंगदुम विलेज है, रंगदुम विलेज से काफ़ी दूर है हम। इधर अपनी कॉफ़ी भी बन गई है और यहाँ पे धूप भी आ गई है भाई। ओहो हो, धूप आ गई भाई, धूप आ गई, जादू वाली फीलिंग आ रही है ना, जादू की तरह जो है धूप मिलते ही पावर आ रही है। लग भी रहे हो आप जादू, टोपो पहनेंगे, कॉफी पियेंगे फटाफट। तो गाइस फाइनली रंगदुम में हम, और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, धूप निकल चुकी है फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है धूप निकलने के बाद। मैं अभी कॉफ़ी वगैरह पी ली है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया रात वाले जो गंदे हुए थे, और अभी बस सामान वामान पैक करके यहाँ से निकलेंगे। आज हमारा प्लान है द्रास पहुँचने का, हमें पता नहीं है रास्ता कैसा होगा, तो देखते हैं रास्ता कैसा होगा। रास्ते में अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो कारगिल भी रुक सकते हैं, नहीं तो वैसे प्लान ये है कि द्रास जाके रुकेंगे, वहाँ पर जाके कैंप करेंगे, जो कि है इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। नहीं कितना कोल्ड होगा यहीं पर, इतनी ठंड लग रही थी हमें। तो चलते हैं, सामान वामान पैक करते हैं, अपना टेंट वेंट समेटते हैं और द्रास की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अपनी बाइक जो है पूरी लोड हो चुकी है, ये देखो यार कितनी गंदी हो रही है। कल जो हम एडवेंचर करके आए हैं उससे हुई है ये गंदी, वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लो पिछला वीडियो, खतरनाक। देखो कितनी मिट्टी चिपकी है इस पर। तो बाइक फुल लोड हो चुकी है, हम निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ।